हाय फ्रेंड्स, एमवीएस ब्रदर में आप सभी का स्वागत है। वैसे मेरा नाम श्री और आज हम रिएक्शन करने वाले क्रिकेट इंसान के लेटेस्ट रोस्ट वीडियो पे आज हम रिएक्शन करेंगे, जिसका की टाइटल है दिस फिटनेस इन्फ्लुएंसर हैव एक्चुअल गॉन क्रेजी। तो उसी के रोस्ट वीडियो पे आज हम रिएक्शन करने वाले हैं। वैसे रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वैसे लेटेस्ट वीडियो है क्रिकेट इंसान का। वैसे हमने ट्रिगर्ड इंसान के पहले एक वीडियो पे रिएक्शन किया है, जो कि एक रोस्ट वीडियो था, वो भी हम सेकेंड वीडियो पे भी आज हम रिएक्शन करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1। तुम लोगों को वो वाला बंदा याद है जो बोलता था मैगी खाओ बॉडी बनाओ? आई एम अ मैगी मैन और मैगी मैं दबा के खाता हूँ। या फिर ऐसी और बहुत ऊटपटांग सी और टिप्स एंड ट्रिक्स देता था बॉडी बनाने की? हम मत देखो मैगी देखो, डाइटिंग ना इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। मैगी पास्ता छोले भटूरे इसमें सब कुछ खाता हूँ और मैंने दिखाया भी। क्यों मैगी इज गुड, तभी मेरी बॉडी ऐसे रहती है और ग्रो करती रहती है। या फिर तुम्हें ये वाला बंदा याद है फेस वॉश जो आपके चेहरे पे ग्लो दे, चेहरे पे ब्राइटनेस चाहिए, कोरापन तो देखो, दीवारों पे जितनी आपकी ट्यूबलाइट लग रखी है ना वो हटके आपका चेहरा लग जाएगा। गोरे होने की टिप्स एंड ट्रिक्स देते हैं भाई, वो बात अलग है, खुद इंस्टाग्राम स्नैपचैट के फिल्टर लगा के वीडियोस बनाते हैं, या फिर ये है? ये हो क्या रहा है भाई, कान में क्रीम? बात ये है कि ये बेसिकली जब निकालेंगे तो कान की सफाई हो जाएगी। अरे मेरे भाई, साथ ही साथ मैल निकल आएगी, अलग अलग तकनीकी आ गई है। कभी कभार बहुत ज्यादा ज्ञान देने से पहले थोड़ी सी रिसर्च कर लेनी चाहिए मिस्टर मधु। एक ही सेकंड लगा मुझे भी गूगल पे सर्च करके ये पता करने में कि वो कान के अंदर क्रीम लगा के कान की सफाई नहीं कर रहे हैं, वो सिलिकॉन इंजेक्ट कर रहे हैं ताकि हेयरिंग एड के लिए मोल्ड बनाया जा सके, ताकि उस पेशेंट के कान के साइज का प्रॉपर हेयरिंग एड बनाया जा सके। लेकिन नहीं, भाई ने उसको कान साफ करने वाली क्रीम बना दिया, कान की सफाई हो जाएगी। शर्म करो ना, मैंने मैगी खाओ बॉडी बनाओ पे कभी कुछ बोला, ना मैंने 2 दिन में गोरे हो जाओ पे कभी कुछ बोला, लेकिन आजकल ये सोशल मीडिया पे लाइफस्टाइल और फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स ने भाई कोहराम मचा रखा है भाई, एकदम वलंडर हो गए। भाई किस चीज की ट्रेनिंग कर रहे हैं भाई, सिलेंडर से भाई पर बता तो दो कौन सी ट्रेनिंग कर रहे थे भाई, कौन से बॉडी पार्ट की ट्रेनिंग कर रहे थे, चेस्ट बाइसेप्स लेग? नहीं नहीं गाइस, एक्चुअली भाई जो है पिछवाड़ा चपटा कर रहा था गाइस, एक्चुअली भाई को जो है बवासीर है। बवासीर एक आम समस्या है, इसके लिए वैद्य ऋषि का अर्शकल्प एक सेफ और क्लिनिकली टेस्टेड आयुर्वेदिक फॉर्मूला। नहीं नहीं भाई मजा नहीं आया, सिलेंडर की जगह तलवार यूज करो तो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्यों है ना गाइस? मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे। यू पैक सु पैक सु पैक सु पैक सु आलू चाट, यू पैक सु पैक सु पैक सु आलू टिक्की, यू पैक सु पैक सु पैक सु पैक सु दही भल्ला, यू पैक सु पैक सु पैक सु पैक सु पैक सु गोलगप्पे, यू पैक सु पैक सु पैक सु पैक सु समोसा, यू पैक सु पैक सु पैक सु मटर कुलचा, यू पैक सु पैक सु पैक सु पाव भाजी, यू पैक सु पैक सु पैक सु। इससे ज्यादा तो स्ट्रीट फूड के नाम भी नहीं आ रहे यार। भाई ने उछल उछल के सरिया मोड़ दिया। पावर ऑफ आलू चाट भाई, गोलगप्पे समोसा भी खाया करो, थोड़ी और पावर मिलेगी। अरे भाई मान लिया तेरे पिछवाड़े में बहुत दम है भाई। अरे भाई यू पैक सु पैक सु पैक सु नहीं टूटी टूटी नहीं टूटी नहीं टूटी नहीं, फेल हो गया भाई, फेल हो गया भाई। सारी बातें एक तरफ, मेरे है कौन सी टाइप की ट्रेनिंग, आलू चाट बोल के कभी सरिया मोड़ देता है, कभी ईंटों पे कूद कूद के ईंटें तोड़ रहा है, कभी पिछवाड़े से सिलेंडर बजा रहा है। भाई हर रोज सुबह भट्टी में अपना पिछवाड़ा सेकता है मजबूत करने के लिए। अब तो मैं भी सीख गया हूँ। ओह
बहुत जरा से लॉजिक वाली बात करूंगा मैं, लेकिन अगर एक एक्चुअल लोहे की रॉड इसकी लात पे मारते तो इसकी या तो लात टूटती है, लोहे की रॉड थोड़ी सी बेंड हो जाती, लोहे की रॉड धड़ूम करके दो टुकड़ों में हो गई, या तो रॉड पहले से ही टूटी हुई थी या फिर भाई सच में हमको आलू चाट बना रहे करके हमें गधे सुअर उल्लू के बट्टे जैसी गालियां निकाल रहे। लो उल्लू बनाया बड़ा मजा आया, उल्लू बनाया बड़ा मजा आया, आलू चाट देखता है क्या शत्रु आ गया। भाई मैं तो बॉडी बनाना सीख रहे आया था भाई, भाई ये तो डंबल चबा रहा है भाई, भाई भाई ये क्या हो रहा है भाई, ये कहां फंस गया भाई मैं। भाई जिम में बाइसेप डे, ट्राइसेप डे, चेस्ट डे, शोल्डर डे, बैक डे, लेग डे के साथ साथ एक दिमाग डे भी होना चाहिए, आपको बहुत जरूरत है भाई ब्रेन डे की, वरना आप जैसे दरिंदे किसी दिन डंबल ही चबा देंगे फिटनेस के नाम पे। भाई भाई मैं पागल हो जाऊंगा भाई, मुझे माफ कर, आगे बढ़ते ऊपर से ये पत्थर हो है हर चक्कर में खन चक्कर वो भागे भागे वाह सोच चिता है क्या। अरे यार भगवान भी कितने अनफेयर है यार, अच्छे जेनेटिक्स भी ऐसो को दिए है यार, मेरे जैसे को देखो यार क्या अदरक जैसा शरीर दे रखा है, बॉडी बनती है नहीं जितना मर्जी जिम चले जाओ, और ऐसे लोग बॉडी बना के घूम रहे हैं, ऐसी ऐसी शक्लें बना रहे हैं, हम जैसे लोग तो भाई जितना मर्जी जिम कर ले बॉडी बनती नहीं है, ये क्या ये डोले के नाम पे कभी आया ही नहीं है, ये है डोला मेरा यार, 4 साल रेगुलर जिम गया बॉडी बॉडी बनी नहीं, चेस्ट मारने जाता हूँ चेस्ट बनती नहीं है, साइडों से टायर निकले हैं, सामने से तोंद निकली हुई है, बट नहीं ऐसो को बॉडी दे रखी है, इतनी मेहनत करी मैंने भी 6 साल बॉडी बॉडी मेरी बनी थी, तो अब मैं जाता ही नहीं जिम, इसी वजह से तो मैं छोड़ दिया, क्योंकि मेरे को तो कोई फायदा है नहीं जिम में जाने का, ऐसे लोग बॉडी बना के घूम रहे, बताओ इतना सा बोल दिया उतना मैं थक जाता हूँ, स्टैमिना नाम की चीज है नहीं, दुखी हो चुका हूँ भाई यार, फिटनेस नाम की कोई चीज ही नहीं बची है यार, ले ली है फिटनेस ने मेरी, मैंने फिटनेस ले ली है, कोर्स ले लिया यार। ओके आगे बढ़ते हैं, अब ये क्या चीज है यार, पाजी हैज नॉट मिस लेग डे एवर, पाजी ओनली हैज लेग्स डे, मंडे लेग डे, ट्यूसडे लेग डे, थर्सडे लेग डे, संडे लेग डे, फ्राइडे लेग डे, सैटरडे लेग डे, बीच के जो दो चार दिन एक्स्ट्रा डाल के वहां भी लेग घुसाई देता है भाई, ब्रो को दूसरे लोगों के काम में टांग अड़ाने का बहुत शौक है। तू लड़की के पीछे भागेगा कुत्तों जैसी फीलिंग आएगी, एक बार जिम के पीछे भाग के देख, सेरो वाली फीलिंग आएगी। जेब में था किलर, साथ वाले किलर। यार क्या है यार, क्या है यार, कैसे कैसे भी बड़े आते हैं यार। दुनिया का सबसे कठिन काम पता है क्या है, जिम करना, और ये काम मैं बड़ी आसानी से करता हूँ। पिछला आदमी सिर्फ लेग डे करता था, इस भाई को लेग डे के बारे में पता ही नहीं है, ब्रो लेजिट लुक्स लाइक दिस। अरे एक सेकंड मेरी पोकी बॉल कहाँ गई, एरी जाओ मैं तुम्हें पकड़ता हूँ। पोकेमॉन 17 इंच का डोला ऐसी चमकाया मारा, जिम में मालना कम से कम 18 हो जावे, तुम मसल देख रहे हो, मसल मसल के रख दूंगा। भाई ने गले में लोहे की चेन भी पता क्यों डाली है, अपना वजन बढ़ाने के लिए, पता चले हल्की सी हवा चले और भाई हवा में पतंग बना उड़ता मेरे। ब्रो बोल रहे देखो गई तुम्हें मसल ना दूं, मसल के रख दूंगा। ब्रो यू नॉट गॉट मसल, यू आर आधी उगी हुई फसल। और एक क्रिकेटर है जिसका नाम है एंड्रे रसल, वाह 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 वाह। और MTV पे एक शो आता है हसल, ब्रो जिम नहीं करता है, जिम ब्रो को करता है। अरे ये तो उसके जैसा दिखता है ना, कुत्तों का काम होता है भौंकना, शिकार करता है तो खामोशी से करता है। ब्रो तू उनमें से है, तेरे को अगर शेर पकड़ भी लेगा ना फिर भी छोड़ देगा, क्योंकि पौष्टिक आहार तो उसको मिलना नहीं, शेर ने डाइट शुरू करी थी लेकिन बंद करना भूल गया। एंड में मैं बस यही बोलना चाहूंगा, यू बैग्स 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 आलू चाट शा शा शा। एनीवेज गाइस यू बैग्स 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 बैग्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, आलू चाट, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग शा। तो हमारा इस वीडियो पे रिएक्शन आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। वैसे इसमें जो फिटनेस के बारे में इन्फ्लुएंस करते हैं उन पे ही रोस्ट था, तो रोस्ट भी इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से किया गया है इसमें। वैसे इसमें गाली
का उपयोग ही नहीं करा गया है और रोस्ट भी कर दिया गया है। तो काफ़ी अच्छा वीडियो लगा मुझे और काफ़ी फनी भी थी ये वीडियो। वैसे आप ज़रूर बताइए कि आपको ये ट्रिगर्ड इंसान का लेटेस्ट वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर हमारा इस वीडियो पर रिएक्शन आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें।